सकते हैं सफाई अभियान चल रहा है, सुबह सुबह सफाई अभियान इधर देख सकते हैं भाभी है। अभी बहुत ज़्यादा धूल हुआ देख सकते हैं रसुगरी में, इधर देख सकते हैं किचन का हाल अभी हुई है, देख सकते हैं पन्नी से तोपा गया, बच्चों बहुत परेशान कर रहे हैं। तो देख सकते हैं अभी सुबह हुआ है और देखिए इधर तिल भी अभी सूख रहा है। आज ये नीम का पेड़ है दोस्तों, नीम का दातुन गांव में किया जाता है, हम लोग व्रत व्रत रहते हैं तो नीम का भी दातुन कर लेते हैं। इधर देख सकते टाली में माटी वैसे पड़ा हुआ है। तो दोस्तों अभी देखिए घर का सफाई अभियान चल रहा है। अभी हम लोग का दो पर्दा चाटी पर्दा लिया गया था गेट के लिए, इधर भी देख सकते हैं सफाई है, सब कुछ सफाई कर दिया गया है और हो सकता है एक दो दिन इसे प्लास्टर किया जाए, देखते हैं कब होता है। तो काफ़ी काम बाकी है दोस्तों, अभी देख सकते उधर भी एक दीवार बाकी है पटरी का लगाने के लिए। तो दोस्तों घर में बहुत पैसा वैसा लग रहा है, हिसाब है ना, ये कितना हिसाब बना के चलिए वो भी ख़त्म हो जा रहा है। अब देखिए अब तीन साल दो साल में सफैया होगा इसका। और इधर देख सकते लैट्रिन हमारा है, लाइटिंग को भी अभी तोड़वाना है दोस्तों, ऊपर टाइल लगवा कर तोड़वाना पड़ेगा, अभी देखिए कब तक टूटता है। छत पे आ चुका हूँ, काफ़ी दिनों बाद छत पे आया हूँ, करीब करीब 8 दिन के बाद छत पे आया। इधर देख सकते हैं सब तोड़ा गया है, भाई सब इसमें भी बालू है, सब ऐसे ही पड़ा है दोस्तों। फिर सुबह सुबह का टाइम दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है, कभी के हो चुके हैं 15 मिनट हो गया शुरू हुए हुए। और देखिए बगल में प्रधान के यहाँ उनके यहाँ बना है दोस्तों, दुर्गा जी बैठी हैं और कल भंडारा बनाए थे, गांव भर खिलाए थे कल नवरात्र दशमी लास्ट था। तो अभी लाइटिंग भी हमारा तैयार नहीं हुआ है, अभी फाटक वटक लगाना, ऊपर देख सकते टंकी बैठा ही है, सफाई हो रहा है। और मैं भी अभी छत पर से आया हूँ, पिताजी को दातुन तो रहा हूँ नीब का, और देखिए नीब का दातुन नहीं आप कर रहे हैं। तो इधर देख सकते दोस्तों बड़हल है, काफ़ी बड़े बड़े बड़हल हो चुके हैं देख सकते हो, ये बड़हल का पेड़ है, बड़ा बड़ा बड़हल हुआ है, अच्छा भूसा रख के दोस्तों पकाया जा सकता है। चलिए दोस्तों मैं भी थोड़ा खाना ना खा लेता हूँ, पीछे आलू से मैं जैसा कि आप देख सकते हैं तैयारी हो चुका है, 8 बज चुका है, अब दुकान के लिए मैं निकल रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों दुकान में मिला जाता है, देखते हैं आज दुर्गा जी का विसर्जन होता है नहीं, हमारे गांव में जो है प्रधान के द्वारा जो बैठी है, अगर होगा तो वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा।